नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एप्टीवेट सिरप के बारे में। ये जो एप्टीवेट सिरप है ये बड़ों में और बच्चों में दोनों में बहुत ही कारगर सिरप है। दोस्तों अगर हम बात करें ये जो एप्टीवेट सिरप है ये आखिरकार है क्या और कितने रुपए की मिल जाती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पूर्णतया आयुर्वेदिक सिरप है। जितनी भी चीजें इसमें डाली गई हैं सारी की सारी जड़ी बूटियां हैं। बात करें इसके प्राइस के बारे में तो दोस्तों ये जो सिरप है ये 154 रुपए की जो है 175 ml की बोतल आपको इजीली से मिल जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ये जो एप्टीवेट सिरप है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके अलावा दोस्तों आपको बताएंगे कि इसका उपयोग जो है किन किन समस्याओं में आपको करना है, कितना डोज लेना है, बड़ों को कितना डोज लेना है, बच्चे जो 2, 3, 4, 5 साल के हैं उनको कितना डोज लेना है, कैसे लेना है, इसके साइड इफेक्ट क्या कुछ आते हैं, पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको गिलोय, सौंफ, कुटकी, इसके अलावा दोस्तों विदांग, नागरमोथा, साथ ही साथ जीरा, पीपली, अमलाकी और दोस्तों यवनी, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी सेहत के लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद मानी जाती हैं। वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट बात कर लेते हैं एप्टीवेट सिरप का उपयोग किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो दोस्तों जो सबसे पहला और सबसे ज्यादा इसका उपयोग है वो यही है, अगर कोई व्यक्ति है, स्त्री हो, पुरुष हो या फिर बच्चा हो, उसके भूख नहीं लग रही है, उसका जो डाइजेशन है वो सही से नहीं हो रहा है, तो ये जो सिरप है ये भूख को बढ़ाने का काम करती है। इसमें जो नागरमोथा पड़ा हुआ है आपके डाइजेशन को प्रमोट करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो यावनी पड़ी हुई है ये आपके पेट में होने वाले दर्द को कम करती है, साथ ही साथ जो कुटकी डाली गई है ये आपके लीवर के लिए बेहद ज्यादा अच्छी होती है, लीवर को जो है शक्ति देने का काम करती है। दोस्तों इसके अंदर जो गुडची जिसको गिलोय भी बोलते हैं पड़ी हुई है जो कि क्या करती है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है गिलोय। इसके अलावा इसके अंदर जो पीपली डाली गई है ये दोस्तों आपके अंदर एनर्जी लेवल जो है बनाए रखती है, आपको जो है थकान नहीं होगी अगर आप ये सिरप लेंगे। बच्चों में अगर थकान कमजोरी बनी रहती है तो वहां पर ये सिरप बेहतर है और बड़ों के लिए भी बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों जब आप रेगुलर इस सिरप का उपयोग करते हैं तो इससे क्या होता है बच्चे का जो ग्रोथ है अगर वो नहीं हो पा रहा है तो बच्चे के ग्रोथ में ये जो सिरप है मदद करती है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं और जो है सेहत नहीं बन रही है तो वहाँ पर ये सिरप जो है आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों इसके अंदर अमलाकी पड़ी हुई है जो कि नेचुरल विटामिन सी सप्लीमेंट है, साथ ही साथ गुडुची जिसको गिलोय कहते हैं, ये दोनों आपका जो स्ट्रेंथ है बॉडी का उसको जो है प्रमोट करने का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब आप रेगुलर इस सिरप का उपयोग करते हैं तो आपका जो माइंड है वो शार्प हो जाता है, यानी कि अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जीरा देखने को मिलता है जो कि शार्प माइंड को प्रमोट करने का काम करता है। तो ये कुछ इस सिरप के फायदे हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस सिरप को कैसे लेना है और लेने का सही तरीका क्या है और डोज कितना लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस सिरप को खाना खाने से 30 मिनट पहले आपको उपयोग करना है, दिन में 2 बार आपको उपयोग करना है। उपयोग करने से पहले जो सिरप की बोतल होती है उसको अच्छे से शेक कर लें, जो मेडिसिन है सिरप है उसको अच्छे से मिक्स कर लें। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों जिन बच्चों की उम्र 2 से 6 साल के बीच में है उनको 5 ml सिरप जो है दिन में 2 बार लेनी है खाना खाने से आधा घंटे पहले। वहीं पर दोस्तों जिन बच्चों की उम्र 7 से 12 साल के बीच में है उनको 10 ml सिरप लेना है दिन में 2 बार जो है सुबह और शाम खाना खाने से आधा घंटे पहले। जिन लोगों की उम्र जो है 12 साल या फिर उससे ऊपर है उनको 10 से 15 ml सिरप लेनी है जो है दिन में 2 बार जो है खाना खाने के आधा घंटे पहले। ऐसे इस सिरप का उपयोग और डोज जो है लिया जाता है। बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, दोस्तों ये पूर्णतया आयुर्वेदिक सिरप है इसलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखा गया।
हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि ये सिरफ आपको सूट ना करे जो इसमें जो चीजें पड़ी हुई हैं, तो इसकी जगह पे आप कोई दूसरी सिरफ ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो एप्टीवेट सिरफ के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार जरूर दिखाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।